सपोज करो आपको बॉडी बनाना है और उसके लिए आप जिम ज्वाइन करते हो कुछ अमाउंट पे करके। अब पहला दिन जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, आकर अपने आप को मिरर में देखते हो, बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं दिखता है। दूसरा दिन भी जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेहनत करते हो और आकर मिरर में देखते हो, स्टिल कुछ नहीं दिखता है, कोई भी चेंजेस नहीं दिखता है। एक हफ्ता करते हो, कुछ भी नहीं दिखता है। दो हफ्ता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यू एक महीना तक करते हो, आपके बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू होता है। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंट बिहेवियर। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज को हासिल करने में जरूरी है, चाहे आप जिम का एग्जाम्पल लो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अब इसको रिलेट करते हैं, अपन लोग जो पढ़ाई करते हैं, गेट की प्रिपरेशन करते हैं, उससे रिलेट करते हैं और समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसिस्टेंट बिहेवियर आपका। सपोज करो आप एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया, पहला दिन बहुत जोश था, पढ़े एकदम जम लगा के पढ़े, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, सर ने बोला 6 घंटा, आपने 12 घंटा पढ़ डाला। दूसरा दिन 6 घंटा पढ़ा, तीसरा दिन नहीं पढ़ा, चौथा दिन थोड़ा सा पढ़ लिया, पांचवा दिन छोड़ दिया, छठा दिन छोड़ दिया, सातवा दिन सब्जेक्ट से डर लगने लगा, आठवा दिन सब्जेक्ट टफ हो गया, नौवा दिन टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, दसवां दिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्यारहवा दिन दूसरा सब्जेक्ट से मेहनत लगाएंगे, खूब सेकेंड सब्जेक्ट से पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट को छोड़ते हैं। और यही इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आपको एक सब्जेक्ट से डर लगने लगता है, फियर लगने लगता है और टफ लगने लगता है, और फिर उसके बाद आप दूसरे पे ब्लेम करना शुरू कर देते हो, यस और नो। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि कंसिस्टेंसी कितना रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को अचीव करने में, वो आपको समझना होगा। ठीक है, सिर्फ कोर्स ले लेना, किसी का पैकेज ज्वाइन कर लेना और उसके बाद कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं रखना, कोई फायदा नहीं है। बिलीव मी, पैसा बेकार, बर्बाद, डे वन से पैसा बर्बाद। दैट मीन्स कि कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, पहला ये। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम कंसिस्टेंट हैं लेकिन हम फोकस्ड नहीं है। फोकस्ड इन द सेंस, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए आप जिम जाते हो, वहां पे आपको प्रॉपर बताया जाता है क्या क्या आपको किस दिन क्या लगाना है, कैसे करना है एक्सरसाइज, आप रैंडम लगाना शुरू करते हो, रैंडम, फोकस्ड नहीं हो कि आज हमें क्या चेस्ट करना है, बाइसेप्स करना है, लेग करना है, क्या करना है, उसका आप रैंडम खुद से करने लगते हो। डेली मेहनत तो कर रहे हो लेकिन फोकस्ड नहीं हो। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर समझो इस चीज को, तो आप डेली कॉलेज में जाते हो पढ़ाई करते हो, या कोचिंग में जाते हो पढ़ाई करते हो, या लाइव क्लासेस में आप पढ़ाई करते हो, लेकिन फोकस्ड नहीं, जो काम बोला जा रहा है उसको छोड़ के कुछ और कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। कंसिस्टेंट हो पढ़ाई करने में, 6 घंटा 8 घंटा बैठ के पढ़ते तो हो, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि हम फोकस्ड नहीं है, हमें जो बोला जा रहा हम वो ना करके कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो डायरेक्शन लेस अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, अगर इस तरह से बिहेवियर आपका रहेगा तो क्या लगता है, सब्जेक्ट कंप्लीट होगा? नहीं होगा। दैट मींस कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमें एक फोकस भी होना जरूरी है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्किप, ये सब हमें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अगेन वही हम अंधा में तीर चला रहे हैं, आंख बंद करके, लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो गया। तो इस तरह से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इन सब चीजों को आप समझना बहुत ध्यान से, मैं कुछ बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि मैं हमेशा ये देखता हूं, आप इतना पैसा पे कर देते हो सालों साल, 2 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर जगह जाकर आप पैसा पे कर देते हो, लेकिन ये दो चीज, कंसिस्टेंट बिहेवियर जो कि आपको खुद करना हो, और डायरेक्शन लेस अप्रोच, ये भी आपको खुद मेंटेन करना होगा, ये दोनों पे ध्यान कोई नहीं देता। इसीलिए हमने गुरुकुल 500 लाया। गुरुकुल 500 ये मत सोचो सिर्फ एक कंटेंट बेस्ड है कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हमें मिलेगा, वो तो मिलेगा, लेकिन कंटेंट की बात नहीं है। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप फोकस्ड नहीं रहोगे, हम आपको बनाएंगे। तो यहां पर हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट को पकड़ के ये समझाना व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ, बिगेस्ट। इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया।
जो लोग जो लोग ज्वाइन कर लिए वेल एंड गुड, आपको पता होगा अभी बुकिंग तो क्लोज हो गई है, नेक्स्ट बुकिंग जब भी स्टार्ट हो। लेकिन ये दो चीज अगर आप कहीं भी ज्वाइन करते हो या पढ़ाई करते हो, कोई भी चीज को समझने की कोशिश करते हो, ये दो चीज जरूर आप समझना। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ का वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको समझना होगा कुछ भी अचीव करने के लिए। कंटेंट इज नॉट एवरीथिंग, बिलीव मी, ठीक है। फोकस्ड आपको रहना होगा, कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। हर दिन हमें पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन हर दिन पढ़ना है, डेली पढ़ना है, हम बीच में स्किप नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट बिहेवियर। जिम का मैं एग्जांपल दिया हूं, आप उससे रिलेट कर सकते हो, राइट। सोयल अंसारी दिस साइड, साइनिंग ऑफ।